प्रॉब्लम एक ही है कि प्रीताश अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसको अतीत की बातें याद नहीं है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसकी किडनैपिंग किसने की, क्यों की, उसे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, अब हमें आप ही का आसरा है। प्लीज कुछ कीजिए ना। ओके ओके, फाइन, हम कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रीता और काव्या जहाँ कहीं भी हैं, वो दोनों एक साथ ही हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि प्रीता और काव्या मॉल गए शॉपिंग करने, फिर प्रीता वहाँ से किडनैप हो गई और वरुण ने प्रीता को किडनैप होते हुए देखा, फिर वरुण ने काव्या को फोन करके वहीं बुला लिया। अब काव्या का फोन नहीं लग रहा है। आई एम श्योर भाभी, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। पुत्र तो ठीक कह रही है, दोनों मिलेंगे तो एक साथ ही मिलेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है वरुण का ही किया धरा है ये सब कुछ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। अरे टीम को लो, चलो। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम भी इंस्पेक्टर के साथ जाते हैं, उन दोनों को ढूंढते हैं। ओके जी, दी चलिए चलिए मम्मी जी। मैं क्या नमस्ते होने वाली सासू माँ। नीना, काव्या, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये मुझे यहाँ से बाहर निकालो। काव्या, शादी का मंडप, ये सब क्या हो रहा है? वरुण, खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। अरे अरे अरे, होने वाली सासू माँ, अपने हाथों को इतना कष्ट मत दीजिए, वरना ये नष्ट हो जाएंगे। आप तो बेहोश पड़ी थी पानी में, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। आप जब बेहोश थी ना, तो आपकी बिटिया काव्या ने वो डंडे से शीशे को तोड़ने की कोशिश की है, पर कुछ नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही है। तो जस्ट रिलैक्स, ज्यादा कोशिश मत कीजिए, वो हाथों से नहीं टूटेगा, चिल। वरुण, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कहा था ना कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आवाज नहीं जाएगी। फिर ये सब कह के उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हें कुछ सुनाई थोड़ी ना दे रहा है। काव्या, तुम जो कह रही है मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे भी सुनाई दे रही है, आप सुन सकती हैं मुझे? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, और मैं जो कह रही हूँ तुम्हें सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। इधर आओ।
से झूठ कहा? उन्हें सब सुनाई दे रहा है। हाँ तो कहा था? अरे सब सुनाई दे रहा है उनको, तुम्हारी बात वो सुन रही है, तुम उनकी बात सुन रही हो, सब सुन सकते हैं, टेंशन मत लो। तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? अरे तो क्या हो गया, मेरे कोई कमिटमेंट इश्यूज है क्या कि मैंने जो एक बार बोल दिया तो मैं वापस नहीं कर सकता? हा? मेरा जो मन करेगा वो बोलूंगा। और तुम ना इतना दिमाग खा रही थी ना मेरा, कह 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 मा 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 मा, तो झूठ बोलना पड़ा यार तुम्हें चुप कराने के लिए। देखो चुप भी हो गई थी तुम। तुम इतना गिर जाओगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे कैसे बन गए तुम? ऐसे कैसे बन गए तुम? बेबी मैं ऐसा ही था हमेशा से, बस तुमको नहीं दिखा। वो क्या है ना, तुम ना वन साइडेड कॉन्वर्सेशन कर रही थी, तुम बोले जा रही थी, वो बेहोश पड़ी थी, तो क्या है देखने सुनने वालों को मजा नहीं आ रहा। अब क्या है कि वो होश में आ गई है, अब तुम कुछ बोलोगी तो वो सुनेंगी, वो बोलेंगी तो तुम कुछ सुनोगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या है ना, जो यहाँ पे देख सुन रहे हैं उनको भी तो मजा आएगा, क्यों भाई, है ना। और एक बात तुम्हें मैं और बता देता हूँ कि मैं जैसा हूं ना वैसा ही था हमेशा से, ऑलवेज। जब कोई हर्ट होता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है, जब किसी को दुख पहुंचता है तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है एक तरह से, समझी? सैडिस्टिक प्लेजर, यू नो। हाँ, तुम्हारी ये प्रीता माँ है ना, इसको मैं खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता हूँ। तुमको मैं अपने इशारों पे नचाना चाहता हूँ, समझी? मेरी हर बात तुम मानो, ये होते हुए देखना चाहता हूं मैं। मेरे हुक्म के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए, that's it। काव्या ये सब क्या चल रहा है? ये वरुण क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें डरा धमका कर तुमसे शादी करने की कोशिश कर रहा है क्या? तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना? मुझे बताओ। वाओ, सो स्मार्ट। हाँ, आई एम हैप्पी कि दिमाग है और दिमाग चलता भी है, वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट माय होने वाली सासू माँ। मैं इसे ब्लैकमेल करके ही शादी कर रहा हूं और तुम्हें हॉस्टेज बना के शादी कर रहा हूं। Got it. Very nice. आज या तो ये मुझसे शादी रचाएगी या तो तुम्हारी जान जाएगी। Yes. सही सुना तुमने। अगर इसने मुझसे आज शादी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा।